अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेर अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बर्ड्स गो प्रो। यार आज ना हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत से न्यू फैंसियर्स का सवाल है, ठीक है। तो वो सवाल ये है कि यार हम बिल्कुल जीरो हैं, यानी हमें कोई अलिफ बे पता ही नहीं है, तो आप यानी आपने करना ये है, सवाल ये है कि आपने पेयरिंग्स क्या करनी है। यानी अब आप जीरो जो बंदा होगा ना, उसको अगर आप कहेंगे कि तुम डन फेलो ब्रीड करवाओ, तो यार वो सोचेगा एक बार ना, यार वो 20-30 लाख रुपए का जोड़ा है मेरे पास, आके मर गया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं आया हूं रोला मुकाने, आप इंशाल्लाह अनक्रीप डन फेलो भी ब्रीड करवाएंगे, लिख लें। आपने जीरो से स्टार्ट करना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो, ठीक है। आपने पहले अपने आप को शौक डालना है, फिर सोचना है कि मैंने कारोबार करना है। आप सिंपल वाइल्ड टाइप फिशर से शुरू करें। एक मेरे बजाते खुद मैं, यानी मुझे जिनसे शौक पड़ा वो है सर नवीद शेख साहब, ठीक है। उस बंदे की ना मुझे एक बात ने बड़ा इंस्पायर किया, वो बात करते हैं, मैं पिछले दिनों वीडियो देखा था, कहते मैंने इतने में रहना है, इतने में मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। उनका मतलब यह था कि मैं अभी यानी सिर्फ कमर्शियल तक मैं ज्यादा काम कर रहा हूं। अब कई ब्रीडर्स ऐसे हैं जो हम जैसों का दिल तोड़ देते हैं, वो कहते हैं तुम आंडों की रेडी लगा लो, ठीक है। तो ये बात बड़ी चुभती है। आपने जब शुरू करना है ना, तो आपने बेसिक बर्ड, या आपको पिक भी नजर आ रही है मेरे चैनल की पिक है, वाइल्ड टाइप फिशर इसी से साबन है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ये देख लेंगे 7,000 भी है ना, तो इसके दो पेयर आ जाएंगे, ठीक है। आप वो ब्रीड करवाएं, आप तजर्बा लें, आपको समझ आने लग जाएगी कि लव बर्ड क्या कहता है, मैंने उसको कैसे ट्रीट करना है, आपको सब पता लगने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो लो बजट में ऑप्शन है वो मैं आपको पिक्स प्रोवाइड करता जाऊंगा, वो है कॉमन लटीनो, ठीक है। कॉमन लटीनो तो यार मैं कहता हूं, मुझे बजाते खुद यानी अभी तक जितने लवर्ड्स मैंने देखे हैं ना, अगर आप उसको ब्लू अपलाइन के मुकाबले भी रखेंगे ना, तो वो उसके जो कलर है ना वो मुनफरिद से हैं, वो आपको ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। आपको लगेगा कि वो कॉमन लटीनो जो है ना वो ब्लू अपलाइन से महंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ गया जी कॉमन लटीनो, फिर अल्बाइनो ब्लैक आइज। काफी लोग पहले रेड आइज की तरफ भागते हैं क्योंकि हमारी पाकिस्तानी वाम है, लाल आंख पे तो ऐसे मरते हैं ना, बेशक मुर्गे में क्यों ना हो, लेकिन ब्लैक आईज एक तो मजबूत बर्ड है और आपको उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छी मिलेगी। रेड आईज का मैंने आपको पहले मशवरा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरब्रीड हुआ होता है, उसकी ब्लड लाइन वीक हो जाती है, ठीक है। ब्लैक आई बर्ड वो स्ट्रांग है, तो आप वो ब्रीड करवाएं, वो मेरा ख्याल आपको पर पेयर कॉस्ट करेगा, अभी हमारे सरगोधा तो 16-17,000 का अच्छा पेयर आपको पट्ठा भी मिल जाएगा, ब्रीडर भी मिल जाते हैं, हर बंदे का अपना रेट है भाई, ठीक है। उसके बाद आपने यानी ये आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूं कि आपने कैसे कैसे बढ़ना है। उसके बाद आपका जो स्टेप बढ़ेगा ना, वो आपके पास आएगा जी अल्बाइनो रेड आइज। अच्छा, आप आगे जी अल्बाइनो रेड आइज पे, अल्बाइनो रेड आइज तक यानी ये आपको प्रोसेस करते करते ना कम से कम आपको 3 साल का पीरियड चाहिए कि मैंने अल्बाइनो रेड आइज तक छलांग लगानी है। ये 3 साल के अरसे की मेहनत होगी। आप जब अल्बाइनो रेड आइज में पहुंच जाएंगे ना, यानी आपके घर में अल्बाइनो रेड आइज ब्रीड कर गया, आप समझें कि आप म्यूटेशन में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि एक क्रिमिनो एक अल्बाइनो रेड आइज इनकी ना ब्रीड कम है, यानी बाकियों की बनिस्बत ब्रीड बहुत ज्यादा कम है, लेकिन पसंद बहुत ज्यादा किया जाता है। अल्बाइनो रेड आई अब तो यार मैं खुद बजाते खुद ढूंढ रहा था कि मुझे एक आधा पेयर कहीं से मिल जाए, नहीं मिला, ठीक है। लेकिन वही बात आ गई ना कि अभी मुझे भी इतना अरसा नहीं हुआ इस हॉबी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो रहा है मेरे साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं लवबर्ड्स। अगर किसी भाई को अल्बाइनो ब्लैक आइज यानी ये जो अभी मैंने आपको नीचे की सारी बताई है, ग्रीन फिशर हो गया, कॉमन लटीनोज हो गए, लटीनो पर्सनाटाज हो गए, अल्बाइनो ब्लैक आइज, ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। कोई भी भाई मुझसे रब्ता करेगा, मैं एंड पे आप सारों को नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ हर वीडियो के, किसी भी भाई को कोई चीज चाहिए हो रब्ता करे,
इंशाल्लाह आपको क्वालिटी की चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आज की वीडियो मुख्तसर सी बनाई है, ये सिर्फ उनके लिए बनाई जो भाई यानी सोचते रह जाते हैं हम इन्वेस्ट करें, कोई फने खा ब्रीडर्स की सुन लेता है, कोई सुन लेता है जो है तो वो काफी ऊंचे लेवल का ब्रीडर, लेकिन वो बात करता है गरीब लोगों की जो यानी हम जैसे जितने भी भाई हैं। तो मैंने तो यार सारों को सोचना होता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, मैंने सारों को साथ लेके चलना है, सारों को सही बताना है, सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, वो मैंने आपको बताना है, ठीक है। इसी के साथ शेर अली को दीजिए इजाज़त, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कर दियो यार, अल्लाह हाफिज़।